जस्टी फार मनीषा, क्या बोलते हैं, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। यार जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ाएंगी कहां से। मनीषा, इनके साथ इतना गलत हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनीषा वाल्मीकि के बारे में। 14 सितंबर को मनीषा का रेप करके उसे फेंक दिया गया था। मनीषा जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते लास्ट में वह हार मान गई। 29 सितंबर को मनीषा का डेथ हो गया। यह रेप हुआ यूपी के हथरस जगह पे। मनीषा का रेप इसलिए किया गया क्योंकि मनीषा के घर के पास लोग नाला का पानी बहाते थे और मनीषा का फैमिली हमेशा उसका विरोध करता था, उस पर आवाज़ उठाता था क्योंकि उसके घर के चारों तरफ पानी जमा हो जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने मनीषा को टारगेट किया और उसे रेप करके मार दिया। और मनीषा के साथ सिर्फ रेप ही नहीं किया गया, उसका जीभ भी काट दिया गया और उसका बैकबोन, रीढ़ का हड्डी भी तोड़ दिया गया। और यह मनीषा के साथ तब हुआ जब वो अपनी माँ के साथ खेत में घास काट रही थी। वो अपनी माँ से थोड़ी सी दूरी पर घास काट रही थी, तभी कुछ लोगों ने मौका का फ़ायदा उठा के उसे ले जाके रेप करके उसे मार दिया। मनीषा के जीभ कटने के बाद, उसके रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद उसे एडमिट किया गया दिल्ली हॉस्पिटल में। मनीषा के फैमिली का यह कहना है कि पुलिस उनकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही है, उनका कोई भी मदद नहीं किया जा रहा है, बात को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। डीएनए टेस्ट मैच होने के बाद चार लोगों का नाम सामने आया और पुलिस ने जिसमें से एक को सिर्फ अरेस्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद उन तीन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। यूपी पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कह रही है। क्या उन चार लोगों को सजा दिया जाएगा या वह चार लोग छूट जाएंगे? अगर सजा भी दिया जाएगा तो क्या निर्भया केस जैसा उसके कातिल को 7 साल तक अच्छे से खिला पिला के तब उसे सजा दिया जाएगा? कोई बड़ा से बड़ा चैनल आवाज़ उठाए या ना, हम सबको जस्टिस फॉर मनीषा आवाज़ उठाना है और मनीषा को इंसाफ दिलाना है। जब तक रेप करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है तब तक रेप होता ही रहेगा, और ना जाने कितने रेप ऐसे होंगे जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जस्टिस फॉर मनीषा लोग तक पहुंच पाए और वह मनीषा के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, आप जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि यही ट्रेंड कर दीजिए बस।